खेल कूद में सबका सजा क्या है तेरी से जाने तो घड़ी खेल ले एक नहीं मानी ए, पहाड़ मेरी चंदा सी शनी कुतने ली दे रोके तेरी सुतरी लगे बिजली की रेशम की सतगुरु जी की टहल करे बिनी हांडे जा बार बार के पूरे लिखण पढ़ने के हंडे के मां पिंज हो हार हार के तुमने क्या कहते फिर से सुनाओ फिर सुन ले सुनाओ सारी सखियां बोले चार रंग साथ की बात करी हे बेहूती बिना बहुत गुमान भरी तो मेरे अंदर गुमान हो गया बहुत ज्यादा गुमान हो गया पहली बात खेल कूद में सबका साझा क्या है डर्री से अच्छा क्रियाणी सी की मां मरगी ने रोसे भरी से बे बे बेरा नाचने के करी से पाटी ना जान करी ते मेरी जान नहीं पाटी मेरा तू क्या करे सारी आना दूसरी बात तेरी कैसी बेहूदी और मेहरबानी अच्छा। ये हम जाने दो घड़ी खेली पर तेरे एक नहीं मानी ए बहान मेरी चंदा सी सैनी कुदा डिब्बे में रोक धरी डिब्बे में रोक धरी इसने का मुंह का वा वाल ला लिया कर के मैं ए कर दी मैं कुछ चुरमा पा मेरे मुंह के बाल लगन दिया कर थोड़ी थोड़ी सही बात से और तीसरी बात अट्ठो पहर लिखे और पढ़ना काम पूरा निज का तुम पहर के सुतरी लाके बिजली की जो बिज का अच्छा तले घाघरा बावन गज का रेशम की चौंदड़ी हरी जब सुतरी बिना बहुत मान भरी बहन हाँ मैंने वो दिया की बात छोड़ दिया और इब के लागी तू और क्या मुंबई मुंबई कोर्स करी आई करी आई अच्छा हाँ आखिरी बात बहन हाँ सतगुरु जी की टहल करे बिन हंडे जा बार बार के अच्छा लिखण पढ़ण के धंधे के माँ पिंजर हा हार हार के बे बे इस कागज के मामले में मार्ग ने बन मेहरबानों
आपस में दोनों बहनों का झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को तानावानी हो जाती है, तो बेला और बीना की दोनों की बात होती है। हाँ बीना, क्या कहना चाहती है तुमसे? बेला चलती रही। तो मेहरबान है, तो एक दिन राजा राय सिंह अपने बाग के दरवाजे की तरफ जाते हैं, क्या देखा कि कुम्हार अपने पैरों को गदे न बांध रहा और गुण ने सर के लाए सो लाग रहा। राजा ने दिमाग किया, ओहो जो दुनिया में बेफिक्र है वही खुश नसीब है, ये कितना अच्छा आदमी है, अपने गधे ने तो पैर का बांध रहा और गुण ने सराहन लाए लुटा है, तो बहुत बढ़िया, ये दोहा बनाकर जो दुनिया में बेफिक्र है वही खुश नसीब है। चले जाते हैं। अगले रोज बीना और बेला बाग के दरवाजे की तरफ आती है, तो बीना कहती है, बहना ये बाग के दरवाजे पे किसने क्या लिख दिया? हाँ बोलिए बहन। बीना जय राम जी की। बहन जय राम जी की। बहन। हाँ बहन। ये हमारे बाग के दरवाजे पर किसने क्या लिख दिया? देखो सामने। कहाँ? सामने देखो गेट पे। वो गेट पर। हाँ वही खुश नसीब है। अच्छा लेकिन बहन ये गलत है। गलत कैसे है बहन? ये
बेफिक्री से तो पशु भी अपना पेट भर लेता है। अच्छा, लेकिन उसको खुशनसी भी हासिल नहीं होती, इसलिए ये गलत है। और सही क्या है? और सही क्या है? सही तो ये है, हाँ। या तो इंसान अपनी शुभ करनी से पार हो सकता है, अच्छा, या अपनी पतिव्रता स्त्री के धर्म से पार हो सकता है, या अपनी पतिव्रता स्त्री के धर्म से पार हो सकता है। ये मैंने लिख दिया है, या आपने लिख दिया है? चलिए, बिल्कुल ठीक है, चलो। उधर से फिर राजा और रानी और बेला तीनों फिर बाग के दरवाजे पे आते हैं, और बेला और राजा और रानी आपस में क्या बात करते हैं? हाँ रानी साहब, आज तेरे को बाल खुआ लूं ना, उन रोटी खा ली, रोटी का पछे आवा लेनी बहुत जरूरी हो, रूको वा खा लूं। हाँ ना तो वो ब्लड प्रेशर टिक जाएगा तेरा। चल रानी साहब जी महाराज, ये बागीचा आ गया है। हाँ जी बोलो। ये मैंने जो सामने परवाना लगाया था कड़ाई के, वो ला रहा देख, समझ दिखता नहीं? हाँ दिक्कत है, वो लिखा ना, हाँ ई एक्स टी लिखा सामने देख, बोले ना गए, ये जवाब आपने दिया है, मतलब पढ़े नहीं रही जवाब, क्या कर देती अनपढ़ है, गुठा टेक जवाब। नमस्कार, मैं तेरे देख के नु सोच रहा था एमए होगी तू, हट जा पीछे ना। मुझे पता है आपने दिया है। हाँ, इस बात का जवाब मैंने नहीं, और मुझे पता है किसने दिया, किसने दिया है? बहन बिना ने दिया, बिना की ये हिम्मत। एक काम करो, क्या जाओ, अच्छा एकदम से शर्ट पैर तैर दे जाओ, और जाकर के बोल देना कि पिताजी एकदम से छो में तरल हो रहे हैं। ठीक है, तरल हो रहा है। ऐसे मत देख, तेरे बता दूंगा। हाँ बहन बिना जयराम जी की, बहन जयराम जी की, बहन जी आपको तो पिताजी बुलाते हैं बाग में, कुछ चुगली कर दी होगी? नहीं नहीं, चुगली कर चुगली नहीं कर। चलिए पिताजी आ गए। पिताजी नमस्कार। नमस्कार बेटी जी, नमस्कार तो तेरी ले ली है, है। लेकिन आप ये बताओ जी, ये छोटा मोड़ बड़ी बातें कैसे हुई? कैसे? मेरी बात का जवाब आपने दिया है। देखो पिताजी, हाँ मैंने आपकी बात समझते हुए जवाब नहीं दिया। और क्या समझ के दिया है? ये किसी ने गलत लिखा था, मैंने इसको ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया? इसमें क्या लिखा था? इसके अंदर लिखा है, सुनो, इसमें क्या लिखा था? ये लिखा था कि जो इंसान बेफिक्र है वो ही खुशनसीब है। लेकिन पिताजी गलत है, बेफिक्री से तो पशु भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन उसको खुशनसीबी हासिल नहीं होती, इसलिए ये गलत है। और सही क्या है? क्या सही? या तो इंसान अपनी शुभ करनी से पार हो सकता है, या अपनी पतिव्रता स्त्री के धर्म से पार हो सकता है। तू पतिव्रता धर्म को जानती है? मैं जानती हूँ और बड़े से बड़ा मानती हूँ। अच्छा जी, आज हम तेरा पतिव्रता धर्म देखेंगे। पिताजी, हाँ? आप राजा है, हाँ? ताकत से मेरे हाथ में रखी चीज चीज को छीन सकते हैं, हाँ? लेकिन मेरे से मेरा मुकुट नहीं छीन सकते। तू जा के मेरी झोटड़ी खोल लगा। तू झोटड़ी की बात कह, हम तो कटरू नबियाड़े लेंगे सारे दूध ने खाच जाएगा। तो राजा ने ऑर्डर दिया कि बिना के लिए ऐसा कंगाल होना चाहिए, ना खाने को अन्न हो, ना पहनने के लिए वस्त्र हो, बिल्कुल चुवालीसरा नंग हो। तो संतरी से ऑर्डर दिया, संतरी जाइए वीणा के लिए ऐसा भर तलाश कीजिए। अरे ओ संतरी जी महाराज, ऐसा करो, करवाओ जी मेरी लड़की के लिए, हाँ जी, कंगाल भर ढूंढ करके लाया हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं। महाराज, हाँ? ये बताओ कम से कम कै साल का हो? कम से कम 20 साल का हो। 20 साल का? लड़की 18 साल की। बाई चांस खुदा ने खास्ता 20 साल का न मिले, 10-10 के दो लिया में। अरे पागल, अरे दो का क्या होगा, आजकल इमरजेंसी है ना, क्या करें। हाँ देखो हम चलते हैं, एक मर जाए दूसरे का काम चला लियो। जाओ बाबू, ठीक चलो अब चलते हैं। मेहरबान, उधर से लक्कड़हारा चलता है, उधर से उसको पकड़ने के लिए संतरी चलते हैं। दोनों की रास्ते में शेर फेट होती है, वो संतरी क्या कहते हैं? तेरी माँ को अपनी माँ समझूं की गल करता है। हाँ जी मित्र लो, ना जी आपको पता कौन है? कौन है जी? हम राजा के संतरी हैं। क्या करोगे जी? हाँ मित्र ना लगा नहीं मित्र को रे भाई मत भाई रे, मुझे गरीब आदमी को मत सताओ। ये नीचे रखो यार, आप बोल तो क्या बोलते। अरे भाई हिम्मत दुखी, अरे फिरूसु कंगाल मेरे ते यो के मतलब थारा, अरे पकड़ मन तम कितले जावो,
को कुत्ता बोलते हैं भाई साहब? राजा के सुंदरी कुत्ता बोलते हैं भाई साहब? तेरा कुत्ता, कुत्ता बोलता है, कैसे बोलता है भाई साहब? मेरी बात सुनिए। बोलो। एक दिन लक्की बंजारे ने एक सेठ से कर्ज ले लिया और अपना कुत्ता गिरवी रख दिया। हे सेठ, जब मेरा धन आया हो जाएगा ये कुत्ता मुझे दे देना। तो वो कुत्ता गिरवी रखने के बाद सेठ के यहाँ कुत्ता चला जाता है। कुछ दिन के बाद उस सेठ के चोरी हो जाती है। कुत्ता देख लेता है कहां से चोरों ने माल निकाला, कहां दबाया। जिम वो चोर जा लिए, सेठ को उठा, हे सेठ अपना माल दरामद कर ले। फिर क्या हुआ? कुत्ते ने सारा जू का तू माल बता दिया, गाड़ा दब रहा है। सेठ ने सोचा, ओहो बड़ा वफादार कुत्ता है, गले में चिट्ठी बना दी, हे लक्की बंजारे मैंने अपना कर्ज आया कर लिया, ये मैं कुत्ता तेरा वापिस भेज रहा हूं। तो कुत्ते के गले में चिट्ठी थी, सामने लक्की बंजारे का डेरा था। कुत्ता देखा आता लक्की बंजारे ने दुनारी बंदूक रखी थी। लक्की बंजारे ने सोचा, ओहो ये कुत्ता बेवफा है, शेख को धोखा दे गया है। दूर से उठा के बंदूक दुनारी गोली मार दी, नजदीक गया और परवाना पढ़ा, क्यों होया भला? हाले बाचकन परवाना रे सारा, हे रमारकन फिर पची ताव के रे 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 उसे क्या फायदा होगा भाई? उसे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा बता रहा हूं भैया, उससे आपको क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? फायदा हाँ। उसकी माया ते कई साल बांट कन धन भाई रे चारा, उम्र भर तुम बैठे खाओ रे 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 वही मत दुखिया। बाहिर है बकसीदो कोना बसके भाई, बाहिर है बकसीदो करके गरीब का चाल दुखी सुमे दुनिया तेरे नारा, मन मार के तम के फड़े पावो रे 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 भाई मत।
को मारे ना तेरे को पिटे, हम तेरा क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ भाई रे, मैं बहुत गरीब आदमी, मुझे छोड़ दो, हम तेरा क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरे यार जनन्या, तेनु क्यों कृपा ले मेरे यार, डरावेगा मन भाई जनाना ना को तेरे को नहीं कहता। अगला वर्डिंग पकड़ो, क्या है? क्या है? अरे मेरे यार जनन्या, मैं लामे तने के थरा भावे गे, अरे चलिया चाल चुप चाप नहीं जीते मरवावेंगे। यार जिनाने मेला में कह के ठरवावेंगे, चला चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावेंगे। भाई साहब, भाई रे भाई, और क्या करोगे? आप नक्षत्र आपका जो तेज है, अच्छा आपकी किस्मत बड़ी तेज है, अच्छा लेकिन तेरे अंदर ताकत नहीं। भाई रे कैसे, मैं गरीब आदमी हूँ। अरे तेज नक्षत्र पलका हीना क्यों आ रहा सगात पसीना तेज, तेज नक्षत्र पलका हीना क्यों आ रहा सगात पसीना, कर बिना तमेल मिलाप तेरे फेरे प